बजरी खनन को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। ज्ञापन देते हुए बताया कि राजस्व गांव झाड़ूली झांकर जनापुर में नदी से अवैध तरीके से बजरी माफियाओं द्वारा खनन किया जाता है। तीनों राजस्व गांव के कृषि कुएं नदी किनारे पर आते हैं, जिससे कुओं में पानी के रिसाव का एकमात्र स्रोत नदी ही है। बजरी के अवैध खनन को रोका जाए, जिससे कृषि कुओं में पानी केमिस्ट एरिया सुरक्षित रहे और हजारों परिवार की आजीविका प्रभावित न हो। आज राजस्व गांव झाड़ोली झाकर और जनापुर में बजरी में हो रहे अंधाधुंध बजरी खनन पर रोक लगाने के लिए हम एसडीएम कोर्ट में आज पूरे ग्रामवासी इकट्ठे हुए और ज्ञापन दिया है। पिछले कई सालों से हो रहे अवैध खनन पर कई बार हम लोगों ने एसडीएम कलेक्टर हर जगह ज्ञापन दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। पेशवा सरपंच मनोहरदान जी ने बनास नदी के ऊपर स्टे लाया है, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले पर ताक पे रखते हुए ये लोग अभी भी माफिया जो है वो रुक नहीं रहे हैं। कंपटीशन चल रहा है इन लोगों के अंदर, दिन के 300-300 ट्रैक्टर जो है ये भर रहे हैं झांकर नदी से, और रात को भी चलते हैं, दिन को भी चलते हैं, कई बार तो ये जेसीबी और ये मशीनरी लगा रहे हैं। इधर दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्र इकाई ये जो अपने रिको है वहां से सैलरी और अपना जो कूड़ा कचरा है वो वहां डाल रहे पाइप के दरमियान, ठीक है। इनके वीडियो भी है हमारे पास, माफिया वालों के भी, ये जो बजरी खनन करे उनके भी वीडियो है, लेकिन हम कुछ मतलब इसमें कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है सर। कुछ हम रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट से, आप प्रशासन से, कि हमारी ये मांगे हैं जो इनको पूरी करें और कुछ करें हमारे लिए, रिलीफ हो ऐसा।